हे एवरीवन, मैं संतोषी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल माय कॉलेज पढ़ी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HBTU कानपुर कट ऑफ प्लेसमेंट एंड मिनिमम रैंक फॉर एडमिशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यानी कि HBTU कानपुर, यानी कि इसे जो है मदर इंस्टीट्यूट ऑफ IIT कानपुर भी कहा जाता है। वहीं जो बात की जो HBTU के ऑफर कोर्सेज की, कौन कौन से जो है कोर्सेज ऑफर करता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MBA मैकेनिक, मास्टर्स एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन हो गया, ये सारे इंजीनियरिंग की ब्रांच में जो है आप लोगों को ऑफर करता है ये सारे कोर्सेज। वहीं अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1,35,000 जो है वो एकेडमिक फीस पर एनम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर बात की जाए 25,000 जो है आप लोगों को हॉस्टल फी पर एनम देखने के लिए मिल जाती है। वहीं बात की जाए 18,000 जो है आप लोगों को मेस फी पर एनम देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि आप लोगों को 18,000 रुपीज जो है मेस फी पे करनी होगी। साथ ही अगर बात करें इसके रैंकिंग की तो इंडिया टुडे रैंकिंग जो है 20 दी गई है। वहीं अगर 2021 और 2022 में बात की जाए तो 250 से 300 तक की रैंकिंग इसको जो है दी गई है HBTU कानपुर को। वही मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप भी आप लोगों को काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ही अच्छी स्कॉलरशिप दी जाएगी। लाइक अगर आप OBC और जनरल हैं तो जो आप लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी वो 55,000 to 60,000 के अप्रोक्स दी जाएगी। वहीं अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो जो है 1,00,000 तक आप लोगों को जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपके स्कोर पे देखा जाता है, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप लोगों को जो है स्कॉलरशिप काफी अच्छी दी जाएगी। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप जो है काफी अच्छी नहीं दी जाएगी। इसीलिए आप लोग जो है काफी ज्यादा ध्यान अपने स्कोर पे, मतलब अपनी स्टडी पे दीजिए। अगर आप स्टडी में अच्छे हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी काफी अच्छी मिलेगी। वहीं अगर जो SC और ST कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट होता है कि वो अपने कोटे के थ्रू जो होता है उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है। साथ ही अगर इसके फैसिलिटीज की बात की जाए तो HBTU कानपुर की फैसिलिटीज भी काफी ज्यादा अच्छी है। लाइक देखा जाए तो AC लाइब्रेरी हो गए, जिम फैसिलिटीज हो गई, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो गई, ऑडिटोरियम फैसिलिटीज हो गई। वहीं देखा जाए तो ये कैंपस कितने एकड़ में बना हुआ है तो मैं आप लोगों को बता दूं HBTU कानपुर जो है 300 एकड़ एरिया में बना हुआ है। तो एक जो है देखा जा सकता है काफी बड़ा कैंपस है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है आप लोगों को इजीली इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में है जो है देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर बात की जाए इसके करिकुलम सेक्शन की तो मैं आप लोगों को बता दूं स्टार्टअप कल्चरल हो गया, इट्स स्पोर्ट्स टेस्ट हो गए, कल्चरल टेस्ट हो गए। साथ ही अगर बात की जाए इसके इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की तो मैं आप लोगों को बता दूं HBTU ही प्रोवाइड कराता है इसकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो खासकर लोअर ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड कराता है HBTU। वहीं अगर बात की जाए इसके प्लेसमेंट हाईलाइट्स की तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके जो ब्रांचेस हैं और जो हाईलाइट यानी कि हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो 17.25 लाख पर एनम तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी इसकी हाईएस्ट पैकेज। वहीं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखी जाए तो 22 लाख पर एनम देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखी जाए तो जो है 14 लाख पर एनम देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ की आप लोगों को हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है इन कोर्सेज के लिए। वहीं अगर फूड टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो 12 लाख पर एनम देखने के लिए मिल जाएगी। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में जो है 7 लाख पर एनम देखने के लिए मिल जाएगी इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है इन कोर्सेज के लिए। लेदर टेक्नोलॉजी में देखी जाए तो 7.25 लाख पर एनम देखने के लिए मिल जाएगी आप लोगों को। ऑयल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो 17.5 लाख पर एनम, सिविल इंजीनियरिंग में भी 17.25 लाख पर एनम देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सारे जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट आप लोगों को इन कोर्सेज के लिए देखने के लिए मिल जाएगी और इसमें जो है आपको फैसिलिटीज भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, प्लेसमेंट के मामले में भी अच्छी। तो ये हर चीज में जो है कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है। तो इसमें जो है आप लोग इजिली अप्लाई करके जो भी है आपका उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। इसमें जो है कॉलेज में आपके कोर्सेज से रिलेटेड, मतलब आप एजुकेशन ले लीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ले लीजिए, इन सबको लेकर बहुत ही ज्यादा फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स पे और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस कॉलेज को काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक बेनिफिट ये भी है आप लोगों के लिए। साथ में आप यही बोलूंगी इस कॉलेज में जो है आप लोग एडमिशन लेकर अपने जो कोर्सेज हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही बात करते हैं कि कोर्सेज की कट ऑफ की, तो मैं आप लोगों को बता दूं काफी सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी जो कट ऑफ होती है काफी ज्यादा हाई होती है और कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसकी कट ऑफ जो होती है काफी ज्यादा लो होती है। तो मतलब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह
तरह से आप लोग जो है स्कोर करते हैं और कौन से कोर्स को जो है कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं HBTU कानपुर से, तो टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इसके प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 90 होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 84 होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में जो है 80 होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है 75 होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है 86 होना चाहिए, तभी जो है आप लोग पूरी तरह से एलिजिबल हैं इन सारे कोर्सेज को करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि HBTU जो कॉलेज है इसके अंदर काफी पॉपुलर कंपनीज जो होती हैं वो विजिट करती हैं, जैसे कि हो गया Zomato हो गया, ICICI बैंक हो गया, स्नैपडील हो गया हमारा, यात्रा हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, सुजुकी हो गया, या सैमसंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसी तरह की बहुत सारी जो कंपनीज हैं पॉपुलर वो इस कॉलेज में जो है विजिट करती हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि इन जो ये कंपनीज हैं ये विजिट करती हैं, तो उसमें से किसी ना किसी कंपनीज का जो है इंटरव्यू वो इजिली क्रैक करके जो भी है उसमें जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होती है, तो उन सारी चीज़ों को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस कॉलेज में जो है इतनी सारी पॉपुलर कंपनीज जो है वो विजिट करती हैं, तो एक ये चीज़ बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स वगैरह जो होते हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इससे हटकर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी, अगर आप किसी भी कोर्सेज या कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे दिया गया है, देन फिल आउट दिस फॉर्म, एंड फ्री एनालिसिस एंड एक्सपर्ट काउंसलर भी हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसे इजीली क्लियर कर दिए जाएंगे। बट डिस्क्रिप्शन में जो आप लोगों को फॉर्म दिया गया है उसे फिल आउट करना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियोज हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।